वालेकुम मैं जवाह सन्न जो आपकी खिदमत में हाजिर आज हमारा टॉपिक मकई का सीड का ट्रीटमेंट बहारिया मकई में सीड का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी नहीं लाजमी है बगैर सीड ट्रीटमेंट के बहारिया में मकई की बिजाई करना आबैल मुझे मार के मुतरद बहारिया में जब हम सीड लगाते हैं जब हम बिजाई करते हैं तो 12 से 21 दिन बाद उगाओ होता ये सीड 12 से 21 दिन तक ज़मीन के अंदर रहता है सिर्फ़ ज़मीन के अंदर नहीं काफ़ी ज़्यादा नमी की हामिल ज़मीन यानी हमने पानी लगाया हुआ है बहुत ज़्यादा नमी होती है ज़मीन के अंदर और इस सीड ने उस नमी के अंदर रहना है इस सीड ने नमी को जज्ब भी करना है तो इस सीड को फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बहारिया मकई में सीड को लाजमी ट्रीट करें बगैर सीड ट्रीटमेंट के बहारिया की बिजाई बिल्कुल मत करें हमारे बहुत से किसान दोस्त ये समझते हैं कि जब वो सीड का बैग खोलते हैं तो सीड के ऊपर एक परत चढ़ी होती है हल्के लाल या पिंक रंग की गुलाबी या लाल रंग की परत होती है उस पर तो बहुत से किसान दोस्त ये समझते हैं कि सीड का ट्रीटमेंट हुआ हुआ है सीड को जहर और फंजी साइड लगी हुई है लिहाजा इस सीड को कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और वह ऐसे ही उस सीट से बिजाई कर देते हैं ये इंतहाई गलत सोच है इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनियां जब सीड स्टोर करती हैं तो उस सीड को महफूज़ रखने के लिए उस सीट का ट्रीटमेंट करती हैं लेकिन वो ट्रीटमेंट सीड को उस हालत में या पैकिंग की हालत में महफूज रखने के लिए होता है वो सीड ट्रीटमेंट बिजाई के बाद सीड को महफूज रखने के लिए नहीं होता बिजाई के बाद सीड को महफूज रखने के लिए हमें खुद से जहर लगाने पड़ते हैं अब यहां पे दो सवाल हैं कौन से जहर और किस तरह माजरत किस तरह इस वक्त मैं आपको डिमॉन्सट्रेशन तो नहीं दे सकता क्योंकि अभी मेरी बिजाई बवजा मौसम थोड़ी लेट है और कोशिश करता हूँ कि बिजाई के वक्त थी या एक दिन पहले सीड ट्रीटमेंट करूँ लिहाजा डिमॉन्सट्रेसन तो नहीं दे सकता आ, जबानी समझाने की कोशिश करूँगा कि सीड को ट्रीट किस तरह किया जाए हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी जहरें सीड ट्रीटमेंट के लिए मौजू हैं या मार्केट में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सीड ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन हैं बहारिया मकई को दो तरह के मसाइल का सामना होता है जब सीड ज़मीन के अंदर होता है तो फंगस का ख़तरा होता है और जैसे ही उगाव होता है तो शूट फ्लाई का खतरा होता है अब हमें ऐसा सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए जो ज़मीन के अंदर सीड को फंगस से महफूज़ रखे गलने सड़ने से बचाए और उगाओ के फौरन बाद शूट फ्लाई से भी महफूज रखें ऐसा सी ट्रीटमेंट या ऐसा प्रोडक्ट वो होता है जिसके अंदर अच्छा फंजीसाइड और अच्छा इंसेक्टिसाइड हो इन दोनों का कम्बिनेशन बुनियादी तौर पे हमें ज़रूरत है बहारिया में सी ट्रीटमेंट के लिए ताकि हमें बेहतरीन नतज मिल सके अब आते हैं कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं थोड़ा सा रहनुमाई के लिए कोशिश करता हूँ किसी कंपनी के प्रोडक्ट की तशीर ना करूँ मेरा मकसद किसी कंपनी को प्रमोट करना नहीं होता मेरा मकसद सिर्फ़ अपने किसान के मफाद का तहफ़ है ताकि वो अच्छे तरीके से माकूल मुआवजे के तहत बेहतरीन पैदावार हासिल कर सके लेकिन कुछ मजबूरी होती है कि बाज़ात अगर सिर्फ़ जहरों के नाम और ख़ास तौर पर जो फंजी साइड जहरें हैं इनके नाम इतने उर्फ़ आम नहीं हैं किसानों को उन नामों से वाकफियत बहुत कम है अगर सिर्फ जहरों के नाम बता दूँ तो आ, किसानों को ये मालूम नहीं होगा कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लेना और उस जहर के नाम को भी अगर याद कर ले मेरे किसान दोस्त और डीलर के पास या दुकानदार के पास जाएंगे तो वो अपनी मर्ज़ी की बात कर देगा अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट दे देगा क्योंकि किसान हमारे पचानवे फ़ीसद या कम अज़ कम नबे फ़ीसद किसान तो लिखने पढ़ने से महरूम हैं वो वहाँ पे इस चीज़ की तसली नहीं कर सकेंगे कि जो जहर मैंने बताया है वही जहर ही उनको दिया गया है इसलिए मजबूरन आपको कुछ कंपनीज के नाम बताता हूँ जो आजमूदा ट्रीटमेंट हैं सीड के लिए सबसे पहले बायर का हुमरे। बायर का हुमरे बेसिक बुनियादी तौर पे दो जहरों पर मुश्तमिल है ये दो जहरों का कम्बिनेशन है एक इंसेक्टीसाइड है एक फंजीसाइड है यानी एक फंगस से महफूज रखता है और एक इंसेक्ट से महफूज रखता है इंसेक्ट से महफूज कौन कौन से इंसेक्ट ये ज़मीन के अंदर के भी हो सकते हैं जैसे दीमक है मूला है इनसे भी उसको महफूज रखता है और उगाओ के बाद शूट फ्लाई से भी महफूज रखता है गो लंबे अरसे के लिए महफूज नहीं रखता लेकिन इतने अरसे के लिए महफूज रखता है कि हमारा उगाओ मुकम्मल हो जाए और उसके बाद हम शूट फ्लाई का ट्रीटमेंट कर सकें इसके अलावा रोडोल्फ कंपनी का मनसूई है इसमें तीन जहरे हैं दो फनजीसाइड हैं एक इंसेक्टिसाइड है ये भी बेहतरीन कंबीशन का हामिल प्रोडक्ट है इसमें एक बात है कि इसकी जो पैकिंग है वो अमूमन मार्केट में 150 सौ पचास की मिलती है बुनियादी तौर पे हमें 200 सौ पैकिंग की ज़रूरत है 200 सौ पैकिंग जो है वो सबसे इकनॉमिकल रहती है सस्ती पड़ती है तो वैसे इसकी 150 सौ पचास एम दो और एक लीटर पैकिंग मार्केट में आती है अब हमारे डीलर जबान कौन सी पैकिंग मेते हैं कौन से एरिया में कौन सी पैकिंग है ये आप ज़रा खुद देख लेंगे तीसरा प्रोडक्ट है अर्जाइल सुपर एनवाल ग्रुप का है इसमें भी दो हैं एक फजीसाइड है एक इंसेक्टिसाइड है, है तो ये भी हमारी ज़रूरत को पूरा करता ये थोड़ा सा तारफ़ चंद प्रोडक्ट्स के मतलब जो मार्केट में मौजूद हैं ऐसे दोस्त जो लिखना पढ़ना जानते हैं जो उर्दू अंग्रेजी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं तो वो इनके इन में जो जहरे हैं वो भी आपको बता देता हूं हिमरे में अमीडा क्लोपर्ड और ट्यूबकोनाजोल है पनसोई में थायमेथोज फ्लोडी ऑक्सानिल डाइफेनाकोनाजोल है जयल सुपर में एक्जॉक्सिस्ट्रॉबिन और क्लोथिथीन ये जहर हैं अच्छे फंजीसाइड हैं और इंसेक्टिसाइड्स हैं अगर आप इन प्रोडक्ट्स के अलावा कोई मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए तीन प्रोडक्ट्स का बताया है मैं अपनी बहारिया मकई में सी ट्रीटमेंट के लिए हमरे इस्तेमाल कर रहा हूं इस बार भी और हमेशा से करता आया हूं और उसके नतज से काफ़ी मुतमाइन हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब ने हमरे इस्तेमाल करनी ये तीनों जहर जो मैंने आपको बताए हैं प्रोडक्ट्स ये भी बेहतरीन हैं इनके अलावा भी मार्केट में बेहतरीन प्रोडक्ट्स मैसर हैं तो सिर्फ एक पे फोकस ना करें अगर हम किसी एक चीज़ पर सारे किसान फोकस कर लें तो हमारे ये जो डीलर शेबान है ना उसको ब्लैक करना शुरू कर देते हैं उसका रेट में इजाफ़ा कर देते हैं एक चीज़ का और इजाफा करना चाहूँगा कि हमारे डीलर किसानों को भोला बनाते हैं लफ्ज़ बेवकूफ़ नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा लेकिन मकसद वही है बनाते वही हैं वो आ, एक गुलाबी रंग का पाउडर वो दे देते हैं थमा देते हैं और किसान को कहते हैं जी दुनिया के हर मसले का हल यही गुलाबी पाउडर है वो गुलाबी पाउडर हर मसले का हल नहीं है ये गुलाबी पाउडर हम जिस नाम से जानते हैं उसे अमीडा क्लोपर्ड पिंक के नाम से जाना जाता है और माजरत के साथ कुछ सस्ती कंपनियों ने मार्केट एक गुलाबी रंग का पाउडर मुतारफ़ कराया हुआ है जिसकी खुदा जाने लेबॉट्री एनालिसिस हुआ है या नहीं हुआ लेकिन उस गुलाबी रंग के पाउडर से बच जाए क्योंकि वो मसले का हल नहीं है अगर वो अमीडा क्लोपर्ड पिंक भी है तो वो भी सिर्फ इंसेक्टिसाइड है वो फंजीसाइड नहीं है और हमारा बड़ा मसला फंजीसाइड है कि हमारी सी ट्रीटमेंट में फनजी का इस्तेमाल होना लाजमी है अब आते हैं कि जहर कैसे लगाया जाए आप अमूमन जो भी पैकिंग लें 200 सौ की पैकिंग होती है पाउडर फॉर्म में होगा तो उसमें वो तजवीज़ करेंगे कि इसमें 200 सौ पानी मिला लें और अगर लिक्विड होगा तो वो 200 सौ का होगा एम का मतलब सी, सी होता है तो एक बोतल आप 200 सौ की ह्युमरे है या 200 सौ का मनसोई है या 200 ग्राम का अजाइल सुपर है या इस तरह मिलते जुलते जितने भी अच्छे प्रोडक्ट हैं उनमें आप 100 से 200 सौ इजाफी पानी मिलाएंगे। बोतल का ढक्कन वापस बंद करेंगे उसको अच्छी तरह हिलाएंगे, वो मिक्स हो जाएगी एक शॉपर पर अमूमन हमारी खाद की बोरियों से शॉपर निकल आते हैं सबसे मज़बूत शॉपर जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो एम की बोरी से निकलता है काफ़ी मजबूत शॉपर होता है उसको एक साइड से काट देते हैं उसको जब खुला करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है उस पर दो बैग किसी भी कंपनी का आप सीट इस्तेमाल कर रहे हैं जिस भी वज़न का है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दो बैग सीट के मकई के उस शॉपर पर लूडे लें उस पर वो महलूल जो हमने असल 200 सौ जहर और 200 सौ साथ इजाफी पानी सौ एम में आप कर सकते हैं तब भी ठीक है ज़रा स्टिकिंग बेहतर होगी अगर आप उसमें 100 एम मिलाने के बाद इतना महलूल आप समझते हैं कि नहीं बना के सारे सीट पर आप उसको लगा सकें तो आप 200 सौ एम मिला लें बेहतर 100 एम है कोशिश करें कि उस 200 सौ एम जहर में 100 एम पानी मिलाएं ये कुल 300 सौ एम महलूल बन जाएगा इसको शॉपर पे उडेले हुए दो बैग सीट पर लगा दें वज़ात कर दूं कि 200 सौ एम सी ट्रीटमेंट जहर बुनियादी तौर पे 20 किलो सीट के लिए होता थोड़ा फ़र्क होता है जैसे पहले आपको बता चुका हूँ पाइनियर के किसी लॉट का वज़न सात आठ किलो भी हो सकता है किसी लॉट का वज़न दस बारह किलो भी हो सकता है एक बैग का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका किलो दो किलो वज़न कम है या ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने जो तनासब रखना है वो दो बैग सीट के और एक पैग इस जहर का इसको लगाना है मिक्स करना है हाथ पे दस्ताने चढ़ा के या शॉपर को दो लोग पकड़ लें और यूं यूं करें यूं यूं करेंगे तो 80 फीसद दवाई सीट को लग जाएगी बाकी फीस बीस फीसद हाथ से लग जाएगी इसमें स्टिकिंग एलिमेंट शामिल होता है कि ये जहर चिपकने की सलाहियत काफ़ी रखता है ये आराम से सीट को लग जाता है इसको धूप में मत रखें सीट को जहर लगाने के बाद या सीट ट्रीटमेंट करने के बाद इस सीट को धूप में कभी मत रखें इसको छाँव में रखें पतला पतला फैला दें ये सूखने में ज़्यादा जाद से ज़्यादा एक घंटा लेगा शदी सर्दियाँ हैं तो शायद एक घंटे से ज़्यादा ले लें अगर धूप निकली हुई है तब भी हम समझते हैं कि सर्दियों की धूप हल्की होती है लेकिन फिर भी इसको धूप में मत रखें इसको छाँव में रख के सूखाएँ ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है और जैसे ही खुश्क हो उसको बाद इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी शुरूत एक दिन पहले लगा लें क्योंकि जिस दिन बिजाई होती है किसान के लिए काफ़ी भाग दौड़ का दिन होता है तो एक दिन पहले इसको लगा लें जहर लगा लें सी ट्रीटमेंट कर लें अच्छी तरह खुश कर लें छाँव में फिर इसको वापस उसी बैग में डालें उनके मुंह बंद करें और और अगले दिन वो सीड बिजाई कर दें मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी वीडियो पे जो अपलोड हुई है उस पर दोस्तों के जो कमेंट्स आते हैं कोशिश करता हूं कि सौ फीसद उनके जवाब बाजात सिस्टम की वजह से या सिस्टम एरर की वजह से कोई कमेंट मेरे निगाह से ना गुज़रे तो अलग बात है वगरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं आप दोस्तों के कमेंट्स के जवाब ना दूँ अपने कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें आ, बहुत से दोस्त फीडबैक देते भी हैं लेकिन गुजारिश ये है कि सब दोस्त इस पर फीडबैक दिया करें ताकि अगर मुझे असलाह की ज़रूरत है कि मेरे तर्ज बयान में कोई असलाह की ज़रूरत है तो वो मैं कर लूँ नॉन कमर्शल किस्म का आदमी हूँ जी प्रोफेशनली ये वीडियोज़ बनाना मेरा काम नहीं है दोस्तों की ख्वाहिश पर कि बहुत से दोस्त लिखना पढ़ना नहीं जानते तो वो वीडियो सुन के ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उनके लिए ये चैनल डेवलप किया था नॉन कमर्शियल सा चैनल है मेरा मकसद सिर्फ किसान दोस्तों के मदद है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपकी स्क्रीन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए अपनी दुआ में याद रखें असल